अस्सलाम वालेकुम। तो अगर आपको भी YouTube की तरफ से आपके YouTube चैनल के ऊपर वार्निंग की स्ट्राइक आ गई है, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक्स आ गई हैं, तो इसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग YouTube के ऊपर सर्च कर रहे हैं कि इसको रिमूव कैसे करें। जैसे न्यू क्रिएटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें स्ट्राइक आ गई है, हमने गलती से कोई कॉपी राइटेड वीडियो डाल दिया या कॉपी राइटेड हमने म्यूज़िक या कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ कर लिया जिसकी वजह से हमें यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया, तो अब हम इसको रिमूव करना चाह रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। तो इससे पहले आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब ने पहले आपके लिए 3 स्ट्राइक्स रखी होती थी यूट्यूबर्स के लिए। तीसरी जो स्ट्राइक होती थी, तीसरी स्ट्राइक जब पड़ती थी तो वो आपका यूट्यूब चैनल को डिलीट कर देते थे, ठीक है। अब पर ऐसा नहीं है, अब उन्होंने 4 स्ट्राइक्स रख दी हैं। पहली स्ट्राइक होती है वॉरिंग स्ट्राइक, वो इसलिए रख दी है जैसे अब न्यू क्रिएटर्स हैं उनसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनको नहीं समझ लग रही होती तो उनको स्ट्राइक पड़ जाती है आराम से, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि यूट्यूब ने 4 स्ट्राइक्स रख दी हैं। पहली स्ट्राइक है ये वॉर्निंग, उसके बाद आएगी, उसके बाद काउंट होगी 1, 2 और 3, फिर तीसरी स्ट्राइक के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब जैसे आपको मैं ये दिखाता हूँ कि मुझे ये स्ट्राइक पड़ी हुई है 24 सितंबर 2023 की, पिछले साल की स्ट्राइक पड़ी हुई है, और मैंने ये कंटेंट डिलीट भी कर दिया हुआ जो मैंने गलती से अपलोड कर दिया था, किसी का मुझे नहीं आइडिया था और मैंने डिलीट कर दिया था, तो मैंने वो भी डिलीट कर दिया, ठीक है। मुझे फिर भी ये स्ट्राइक की वार्निंग रह रही है। अब इसका ये हल है कि ये स्ट्राइक रिमूव नहीं होती और इससे आपके चैनल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता, आप अपना काम कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान करें कि कोई भी कॉपीराइटेड चीज़ आप अपने चैनल पे ना डालें, वरना अब से आपकी स्ट्राइक्स काउंट होंगी और 3 स्ट्राइक्स के बाद आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और अगर लगी है तो लाइक और नीचे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।